Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. So in today's video we'll be discussing a drama by Konstantin Stanislavski, that is Faith and a Sense of Truth, which is the fifth part of background readings of modern European drama. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the author, that is Konstantin Stanislavski. He was a Russian actor and theater director who is considered one of the most influential figures in the history of acting. तो देखो कॉन्स्टेंटिन जो थे ये एक रशियन एक्टर थे और थिएटर डायरेक्टर भी थे, जो कि किस चीज़ के लिए ज़्यादा जाने जाते थे, जो इनका मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर था इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जाने जाते थे इन द हिस्ट्री ऑफ एक्टिंग, यानी एक्टिंग का जो इतिहास है उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहा है. एंड ही इज़ बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द स्टैनिस्लावस्की की सिस्टम, ऑल्सो नोन एज मेथड एक्टिंग, विच चेंज्ड हाउ एक्टर्स अप्रोच देयर रोल्स. तो ज़्यादातर ये इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि जो इनका स्टैनिस्लावस्की वाला जो सिस्टम था, और साथ ही साथ इसको मेथड एक्टिंग कहा जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टर्स थे जो एक्टिंग करते हैं उनको अच्छे से समझ में आया कि वो अपने रोल को, जो उनको रोल मिला हुआ है जिसको वो प्ले करने वाले हैं, उस चीज़ को वो कैसे अप्रोच करें, यानी उस चीज़ में वो और ज़्यादा किस तरीके से डूब जाएं, जो भी रोल मिला है उनको वो किस तरीके से अच्छे से प्ले करें. And he focused on psychological realism, encouraging actors to deeply understand their characters, emotions and motivations to deliver authentic performances. तो देखो इनका ज़्यादातर फोकस किस चीज़ पे था, साइकोलॉजिकल रियलिज्म, यानी अगर वो एक्टिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल रियल लगे, क्योंकि एक्टिंग में देखो दो तरीके के एक्टिंग्स होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ओवर एक्टिंग करना, ठीक है, तो उतना भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लो तरीके से एक्टिंग करना कि भाई इसका तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रियल लगना चाहिए कि अगर हमें कुछ रोल मिला है तो वो बिल्कुल रियल लगना चाहिए, हमारे जो इमोशंस हैं उस रोल से बिल्कुल मैच करने चाहिए, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सारी चीज़ें उस रोल से मैच होनी चाहिए. इनका जो भी एक्टिंग मेथड था उसकी वजह से जो एक्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इमोशनली, एंड किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, तो इनके सारे जो भी काम है उन सारी चीज़ों से जो एक्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस मिले कि किस तरीके से वो एक ऑथेंटिक परफॉर्मेंस को डिलीवर कर सके टू दी ऑडियंस, टू दी स्पेक्टेटर्स जो उनको देख रहे हैं. And his techniques like emotional memory and sense memory have influenced many famous actors, shaping modern acting practices. तो देखो जो इनकी एक्टिंग टेक्निक्स थी, जो भी मेथड्स थे, जैसे कि इमोशनल मेमोरी, इसका क्या मतलब है कि जो एक्टर्स हैं उनके जो पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी उनको क्या क्या चीज़ें याद हैं इमोशनली, जो भी उन्होंने पहले किया है उससे रिलेटेड जो भी उनके एक्सपीरियंस है वो उनको याद होने चाहिए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे इमोशनल मेमोरी. एंड सेंस मेमोरी का क्या मतलब है कि जो भी हमारे सेंसेस होते हैं, फाइव सेंसेस, जैसे साइट, देखना, हियरिंग, सुनना, टच, किसी चीज़ को छूना या फिर टेस्ट करना, स्मेल करना, तो ये सारे फाइव सेंसेस है, तो इन सारी चीज़ों के बेस पे जो भी उनके एक्टिंग स्किल्स हैं वो किस तरीके से निखर के आ रहे हैं, किस तरीके से रियल लग रहे हैं, यानी जो भी रोल उनको मिला है उसके अकॉर्डिंग उनको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए ये दोनों टेक्निक्स जो हैं, इमोशनल मेमोरी और सेंस मेमोरी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं फेमस एक्टर्स को भी कि किस तरीके से वो अपनी एक्टिंग में अच्छे शेप प्रोवाइड कर सकें, यानी अच्छी तरीके से वो लोग अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और बिल्कुल जो वो एक्टिंग कर रहे हैं उनके रोल से वो मैच हो जाए. And he was born on January 17, 1863 in Moscow, Russia, and passed away on August 7, 1938 in Moscow as well. तो देखो इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1863 में मॉस्को में, क्योंकि ये रशिया के थे, एंड इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 7 अगस्त 1938 में. तो फेथ एंड अ सेंस ऑफ ट्रूथ इज़ अ ड्रामा, ये एक तरीके से ड्रामा है जो कुछ ऐसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है, जैसे फेथ, विश्वास, ट्रूथ यानी सच्चाई, एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हम कोई मूवी देखते हैं तो ज़्यादातर वो सारी चीज़ें फिक्शनल होती हैं, वो रियल नहीं होती है, लेकिन जो ऑडियंसेस होते हैं उनको
बहुत ज़्यादा रियल लगती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उनको बिलीव होता है कि हाँ जो भी हम देख रहे हैं वो सच है। दूसरा कि जो एक्टिंग कर रहे होते हैं उनको भी पता है कि ये चीज़ें फिक्शनल है, लेकिन ये चीज़ वो खुद भी अपने अंदर समझ के एक्टिंग करते हैं कि हाँ वो चीज़ सच है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम साउथ इंडियन मूवी में देखते हैं कि एक हीरो ही सारे विलन को मार देता है, चाहे वो कितने भी हों, चाहे वो कितने भी बड़ी संख्या में हो, जितने भी विलन्स हैं, जितने भी डाकू गुंडे हैं, उन सबको सिर्फ एक हीरो निपटा देता है। ठीक है, तो किस तरीके से, क्योंकि ये चीज़ रियल में पॉसिबल नहीं है कि एक तरफ एक इंसान हो, दूसरी तरफ काफ़ी सारे लोग हो और जीतेगा वही जो हीरो है, यानी वो जो एक इंसान है। तो ऐसे में ये सारी चीज़ें एक तरीके से फिक्शनल होती हैं, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हाँ वो एक हीरो है और वो सबको मार के भगा देगा। और ऐसे ही जो एक्टिंग कर रहे होते हैं कि उसके मन में भी जो सच्चाई है वो उसको भी मालूम है कि ये सिर्फ एक एक्टिंग है, ठीक है, ये ट्रुथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग इस तरीके से करते हैं कि वो रियल लगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ऑथर। अब हम चलते हैं हमारे ड्रामा को शुरू करते हैं। तो इस ड्रामा में बेसिकली हमारे 9 सेक्शंस हैं, लेकिन हम सारे सेक्शंस में से जो मेन टॉपिक्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, सिर्फ उनको ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है, थिएटर इज़ अ फिक्शनल मीडियम बट इट इज़ नॉट अ लाई। तो देखो, थिएटर जो है वो क्या है, एक फिक्शनल मीडियम है, यानी ऑफ कोर्स दिस इज़ इमेजिनेशन, ये काल्पनिक है, रियल नहीं है, लेकिन ये झूठ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी हम मूवी देखते हैं थिएटर में या फिर कोई भी चीज़ देखते हैं, ड्रामा प्ले, तो एक तरीके से वो कहानी ही होती है। ठीक है, अब उस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कहानी के अंदर वो सारी चीज़ें रियल है, लेकिन जो रियलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फिक्शनल तो है लेकिन कोई झूठ नहीं है। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है हमारा पॉइंट, द डायरेक्टर्स ऑब्जर्वेशन, कि इसमें जो डायरेक्टर होता है वो क्या ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो डायरेक्टर का जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो ये होता है कि जो एक्टर्स हैं वो अपने सारे जो भी स्किल्स हैं, एक्टिंग स्किल्स हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से दिखाए, यानी जो भी वो एक्टिंग कर रहे हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो उनकी एक्टिंग स्किल्स हैं उसमें कोई भी फॉल्सनेस, कोई भी फेकनेस, यानी वो नकली नहीं लगना चाहिए, वो बिल्कुल रियल लगना चाहिए। तो अगर एक्टर्स को कोई ऐसी चीज़ मिली है, कोई ऐसा रोल मिला है जो रियल की दुनिया में, जो रियलिटी में इम्पॉसिबल है, लेकिन वो फिक्शनल मूवी है तो उसमें वो चीज़ पॉसिबल हो रही है, तो उस वक्त एक्टर जो हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो कोई असली चीज़ है, वो रियल चीज़ है, और वो सोच के उनको एक्टिंग करनी चाहिए ताकि जो हम देख रहे हैं, जो हम ऑडियंस हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, हमें वो सारी चीज़ें रियल लगे, ना कि फॉल्स लगे। तो हम उनकी एक्टिंग पे जो फॉल्सनेस है, यानी जो भी चीज़ें फिक्शनल है, हम उनकी एक्टिंग पे बिलीव करें कि हाँ ये सारी चीज़ें सच में हो रही है उस फिल्म में, उस मूवी में, तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, वो एक्ट्रेस की है। जो भी उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, जो डायलॉग्स होते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड होता है, ताकि हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगे और रियल लगे, चाहे वो इम्पॉसिबल ही क्यों ना हो, चाहे वो फिक्शनल ही क्यों ना हो। फिर नेक्स्ट है हमारा टू काइंड्स ऑफ ट्रुथ, यानी दो तरह की सच्चाई। पहला जो एक्चुअल ट्रूथ है, जो रियल है, जो रियलिटी में सब कुछ हो रहा है। दूसरा है सीनिक ट्रूथ, यानी जो फिल्म में हो रहा है, मूवी में हो रहा है। एक्चुअल ट्रूथ का क्या मतलब है कि हम ऑडियंस हैं, हम देख रहे हैं कि जो भी चल रहा है कहानी में, उसमें दोषी जो है वो छुपा हुआ है, किसी को नहीं पता उसके दोष के बारे में। अगर कोई मर्डरर होता है तो हमें पता होता है, क्योंकि हम ऑडियंस होते हैं, हम देखते हैं जो भी उनका पीछे का सीन होता है, वो सब कुछ देखते हैं। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें चल रही होती है वो सब हमें मालूम होता है। जो एक्चुअल ट्रूथ है वो ऑडियंस को मालूम है। जो सीनिक ट्रूथ है, यानी क्या है कि जो हीरो है उसको एक्टिंग करनी है इस चीज़ की, कि उसे दोषी का नहीं पता। ठीक है, क्योंकि जब मूवी जो है, जब इनकी शूटिंग होती है तो सबको सारी कहानी मालूम होती है। ठीक है, कि कौन चोर है, कौन मर्डरर है, कौन बेहोश हुआ, किसने किसकी जान ली, लेकिन एक्टिंग करते वक्त उनको ऐसा दिखाना होता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, अब एक्टिंग कर रहे हैं तो वो सब कुछ उनके फेस पे दिखना चाहिए, वो सब कुछ उनके इमोशंस पे दिखना चाहिए कि हाँ उनको सच का नहीं पता। तो इस तरीके से दो सच होते हैं, एक्चुअल ट्रुथ एंड सीनिक ट्रुथ। तो एक्चुअल जो हमें ऑडियंस को मालूम होता है, और सीनिक ट्रुथ का क्या मतलब है, जो एक्ट्रेस को भी मालूम होता है कि दोषी कौन है, क्योंकि शूटिंग के वक्त सारे लोग एक साथ होते हैं और उनको कहानी पहले से पता है, लेकिन उन्हें सिर्फ एक्टिंग करनी होती है कि उन्हें दोषी का नहीं पता। ठीक है, वो इग्नोरेंट बनते हैं सीन में। फिर थर्ड क्या है हमारा, ट्रुथ एंड फॉल्सनेस इन परफॉर्मेंस, यानी सच्चाई और जो गलत चीज़ है, यानी जो झूठ है, वो क्या है इस परफॉर्मेंस में, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं एक्टर्स। तो देखो, इसमें हमें सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना होता है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग ना करें।
ठीक है, क्योंकि अगर ओवर हो जाते हैं तभी वो फेक लगने लग जाता है, फॉल्सनेस लगने लग जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर करते हैं तो सबको समझ आ जाता है कि भाई ये तो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। तो जो चीज़ हमें सच में दिखना चाहिए, जो चीज़ हमें फील होनी चाहिए कि हाँ उसको दर्द हो रहा है, तो हम देख सकते हैं कि उसको चोट लगी है, उसको दर्द हो रहा है। लेकिन अगर जो एक्टर है वही बहुत ज़्यादा ओवर करने लग जाए तो फिर हम उस चीज़ को उस मज़े से नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फॉल्सनेस है और जो ट्रुथ है वो इसमें मेन क्या है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग भी जो है वो फिर फॉल्सनेस को दर्शाती है। यानी ऐसा लगता है कि जो एक्टर है वो झूठी एक्टिंग कर रहा है, वो रियल नहीं लगता। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, डिसकनेक्शन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड परफॉर्मेंस। तो देखो इसमें क्या चीज़ होती है कि जब भी हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं बैठ के थिएटर में या फिर घर में फिल्म मूवी कुछ भी देखते हैं, तो उसमें हमें मालूम चल जाता है कि अरे ये थोड़ा और अच्छा कर सकता था, यहाँ पे ये मिस्टेक है। जब हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ये गलती करी है। लेकिन जब वो चीज़ हमारे ऊपर आती है, अगर हमें ही वो सारी सेम एक्टिंग करनी होती है, वो सारे सेम डायलॉग्स बोलने होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मिस्टेक्स हमने पहले ऑब्जर्व करी है वो मिस्टेक्स हमसे ना हो, वो सारी मिस्टेक हम दोबारा से ना दोहराएं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ अ रोल। सोल ऑफ अ रोल का क्या मतलब है कि जो भी हमें रोल मिला है, अगर हमें चोर का रोल मिला है कि हमें चोर बनना है, तो हमें उसकी सोल में जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी हमें बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही एक्टिंग करेगी जैसा कि हकीकत में एक चोर करता है। अगर हमें किसी ऑर्फन बच्चे का रोल मिला है तो हमें बिल्कुल सेम वैसा ही एक्टिंग करना पड़ेगा जैसा कि कोई अनाथ बच्चा करता है। सोल ऑफ अ रोल का क्या मतलब है कि जो हमारे इमोशंस हैं वो बिल्कुल इमर्ज होके आने चाहिए हमारे अंदर से। जो हमारे फिजिकल एक्शंस हैं, जो हमारे इनर इमोशंस हैं, वो सेम होने चाहिए, हमारे फेस पे दिखने चाहिए। जो आवाज़ होती है, आवाज़ में जो दर्द है वो बिल्कुल दुखी होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि हाँ ये कोई ऑर्फन बच्चा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ अ रोल का क्या मतलब है कि जो रोल मिला है उसी से हू बहू मिलता जुलता हमारी एक्टिंग होनी चाहिए। फिर हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है, पर्सनल कनेक्शन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो देखो मूवी में जो बैक स्टोरी होती है काफ़ी लोगों की, अगर हम देखें कि हम जब भी मूवी देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल एक एडल्ट दिखा देते हैं। ठीक है, और जैसे ही मूवी शुरू होती है, जैसे ही मूवी आगे बढ़ती है, तो उसमें हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि ये जो अडल्ट है ये इतना बड़ा आदमी बन गया, उसके पीछे की उसकी क्या कहानी है कि वो एक ऑर्फन बच्चा था, गरीब था, उसके माँ बाप नहीं थे, और उसने पैसे कमाने के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी बनाने के लिए उसने बहुत मेहनत करी। तो ये हो गई बैक स्टोरी। लेकिन जब स्टोरी शुरू हुई, जब फिल्म शुरू हुई, तो उसमें हमें एक एडल्ट को दिखाया गया। तो जो बैक स्टोरी है वो सारे जो एक्टर है उसके दिमाग में होनी चाहिए कि मेरी बैक स्टोरी ये है और अब मुझे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्टिंग करना है कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में पहले कितनी ज़्यादा मेहनत लगी, कितना ज़्यादा हार्डवर्क उसने किया। तो इसका क्या मतलब है, पर्सनल कनेक्शन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि जो भी हमारी बैक स्टोरी है, मान लो अगर मूवी हमारे एडल्ट से शुरू हो रही है, लेकिन जो उसका चाइल्डहुड है वो कैसे गुजरा, वो सारी बातें, वो सारे स्ट्रगल्स उसके माइंड में होने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आगे की एक्टिंग करनी होती है मूवी के लिए। फिर है हमारा सेवन्थ पॉइंट, ये क्या है, ऑथेंटिक परफॉर्मेंस थ्रू इमर्शन। तो ऑथेंटिक परफॉर्मेंस थ्रू इमर्शन का क्या मतलब है कि जब भी हम कोई भी रोल कर रहे हैं तो वो उसमें हमें मग्न हो जाना है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल ही अगर हमें किसी की मदर का रोल मिला है तो उसमें हमें बहुत अच्छे से अपनी ममता को दिखाना है। अगर हमें विलन का रोल मिला है तो उसमें हमें क्रूरता दिखानी है। इस तरीके से जो भी हमें मिला है रोल उसमें हमें बिल्कुल मग्न हो जाना है, क्योंकि अगर हम उसके अंदर बिल्कुल घुस जाएंगे तो बिल्कुल वैसी एक्ट होगी जैसा कि एक डायरेक्टर चाहता है, जैसा कि एक ऑडियंस चाहती है, और जो कि बिल्कुल परफेक्ट होगी। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल फिजिकल एक्शन। यानी जो छोटे छोटे हमारे फिजिकल एक्शंस होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होती हैं, फेसियल एक्सप्रेशंस होते हैं, किस तरीके से हम खड़े हैं, बैठे हैं, ये जो छोटे छोटे फिजिकल एक्शंस होते हैं ये भी कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी एक्टिंग के लिए, जो कि हमारे सारा जो हमारा बिहेवियर है उसको रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी एक्टिंग होती है उसको रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से हम रोल को प्ले कर रहे हैं। अगर सैड हैं तब हमें किस तरीके से बैठना है, अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तब हमें किस तरीके से बैठना है। तो छोटी छोटी जो फिज़िकल एक्शंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे जो भी एक्टिंग होती है और जो रोल होते हैं उनके रिजेंबल में। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी ये पूरी वीडियो ख़त्म होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट। एंड डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग।